हा कार्यक्रम संग्रहित असल्याने ध्वनिचित्रमुद्रण सदोष असण्याची शक्यता आहे. कुछ दिनों पहले जयदेव जी की मंगल मूर्ति आपने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में देखी होगी. आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ क्योंकि ये सब गाने उन्होंने खुद म्यूजिक दिया है उसको. पहला गाना है जो भूपी जी गा रहे हैं, इनका भी नाम आपने सुना होगा. जैसे उनका गाना भूपी जी गा रहे हैं और म्यूजिक दिया है जयदेव जी ने, तो आप समझ सकते गाना कितना खूबसूरत होता है. लेकिन गाना शुरू होने से पहले मैं भूपी जी से कुछ पूछना चाहती हूँ, शायद उनको मालूम हो. भूपी जी, मैंने पढ़ा था कि आप फिल्मों में काम करना चाहते, किसी ने आपको ऑफर दी थी हीरो के रोल के लिए और आपने कहा कि मैं नहीं करूंगा करके. मेरे ख्याल से अच्छा कि आपने जो नहीं किया, वरना अमिताभ बच्चन बेचारे क्या करते समझ भी नहीं आता. आप गाना तो इतना अच्छा गा लेते हैं. ऑफर तो होती रहती थी जी, लेकिन क्या है कि शौक नहीं था काम करने का. तो गाने का शौक आपको ज्यादा रहा, लेकिन मुझे लगता है आप काम कर लेते तो भी अच्छा करते शायद. क्यों, ऐसी क्या बात है, शक्ल आपकी बता देती है. तो आप कौन सा गाना सुना रहे हैं आज? मैं अभी एक जो गाना सुनाने जा रहा हूँ जयदेव जी का, उसको नक्श लालपुरी जी ने लिखा है. अच्छा, तो जयदेव जी के संगीत में. तो बस सुनाइए, हम तो बिल्कुल तरस रहे आपका गाना सुनाने के लिए. जी. फिर तेरी याद ने दीप जलाने आई, फिर तेरी याद ने दीप जलाने आई. मेरी दुनिया से अंधेरों को मिटाने आई, फिर तेरी याद नए दीप जलाने आई, फिर तेरी एहसास रहा, ना कोई दर्द ना अब दर्द का एहसास रहा. यूं लुटा हूं मैं के कुछ भी ना मेरे पास रहा, मेरी बर्बादी पे जलाने आई, फिर तेरी याद. इन बुझी हर ख्वाब की ताबीर जली, इन बुझी आंखों के हर ख्वाब
चल उठा मैं जो मेरे प्यार की तहरीर जली मेरे दामन में मेरे दामन में लगी आग बुझाने आई फिर तेरी याद ने दीप जलाने आई तेरी इतना तन्हा इतना तन्हा मैं किसी शाम किसी रात न था मेरी तन्हाई को मेरी तन्हाई को सीने से लगाने फिर तेरी याद में दीप जलाने आई मेरी दुनिया से अंधेरों को मिटाने आई फिर तेरी याद में दीप जलाने बहुत खूब रूपी जी लेकिन मैं आपको इतने जल्दी जाने नहीं दूंगी जी। अगर टाइम होगा तो आपका और एक गाना पड़ेगा जरूर जी। तो मैं आज आपके सामने आज एक दूसरी कलाकार पेश करती हूँ उनका नाम है आई आई आप ही अपने मुंह से आपका नाम बता दीजिए नाम है पीनाज मसानी अच्छा आप किसका गाना गा रही है बाल कवि बैरागी अच्छा जयदेव जी ने म्यूजिक दिया तो शुरू कीजिए रसिया मुरांग अंग लाग रंग रंगा क्यों रसिया
कितना खूबसूरत गाना था। अब तीसरे कलाकार हैं हरिहरन, इनको भी आप बहुत बार सुन चुके हैं। आइए हरिहरन जी, आइए। आप आज क्या गा रहे हैं? मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। गीत सुनाते हैं, किसका लिखा हुआ है? संगीतकार हैं जयदेव जी, तो आज उन्हीं की प्रोग्राम अपने दे रहे हैं। लिखा हुआ है योगेश जी ने। अच्छा, योगेश जी ने लिखा है, जयदेव जी ने दिया है, तो सुनाइए फिर। दाता रे दाता रे ओ दाता, ओ दाता, कोई न जाने कब सुबह होगी कब होगी शाम, जीवन की कहाँ सुबह होगी कहाँ शाम, कोई न जाने रे दुनिया के मेले में कब सुबह होगी कब शाम, जीवन की कहाँ सुबह होगी कहाँ शाम, दाता दाता लाए क्या ले जाएंगे
से जो पाएंगे क्या लाए क्या ले जाएंगे दान में तुमसे जो पाएंगे रूखी सूखी हम खाएंगे लेंगे तुम्हारा सदा नाम ये आएगा पुण्य तुम्हारे यही काम दाता रे दाता शाम जीवन की कहां सुबह होगी कहां शाम दाता चाहे दीप जला ले प्रभु चरणों में फूल चढ़ा ले जितने चाहे दीप जला ले प्रभु चरणों में फूल चढ़ा ले कितने चंदन तिलक लगा ले छोड़े ना तूने खोटे काम तो पगले कैसे मिलेगा तुझे श्याम कैसे मिलेगा तुझे श्याम पगले कैसे मिलेगा तुझे श्याम कैसे मिलेगा तुझे श्याम दाता साधु संत फकीरा कह गए तुलसी सूर कबीरा कह गए साधु संत फकीरा कह गए तुलसी सूर कबीरा कह गई प्रेम दीवानी मीरा आए न कोई यहाँ का जगत में सच है प्रभु का बसना दाता रे दाता दाता कोई न जाने रे दुनिया के मेले में कब सुबह होगी कब शाम जीवन की कहां सुबह होगी कहां शाम दाता जाने कब सुबह होगी कब होगी शाम जीवन की कहां सुबह होगी कहां शाम जयदेव जी के संगीत में हमने पहले नज़म सुनी फिर गीत सुना फिर भजन सुना अब हम एक गजल सुनेंगे और वह गजल के कलाकार हैं छाया देवी हम उन्हीं से बात कर लेंगे आइए छाया जी आपका नाम छाया देवी गांगुली है ना जी। आप गजल सुना रही हैं किसकी गजल है ये स्वर्गीय मखदूम साहब अच्छा जी मैं सोचती इस गजल के लिए आपको अवार्ड मिला है ना कौन सा नेशनल अवार्ड मिला है और वही गजल आप सुना रही हैं तो जल्दी सुनाइए Thank you.
गोपी जी से तो हम एक नज़म सुन चुके हैं और उन्होंने वादा किया था अगर टाइम होगा तो एक गज़ल सुनाएंगे, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास टाइम भी है, और मैं फिर उनसे कहूँगी कि आप Gracias.